अच्छा यहाँ पे अब की बात किसकी रड़क निकालोगे? किसकी रड़क? जिसके कहोगे उससे ही काट जाएंगे। अच्छा। मेरे के रिश्ते के रोल है उड्डा के साथ सब कुछ यहाँ पे। उड्डा जाट उड्डा हम है भाई बरादरी सारी हमारी। अच्छा। सारे रीजन भाई सारे हमारे सब बैठे सब। क्या लग रहा है यहाँ पे क्या माहौल है चुनाव के लिए? चलाओ दादी हमने देख सही है हमने ये केजरीवाल केजरीवाल चाहिए। हाँ ये तो वाली पार्टी दोनों आम आदमी कांग्रेस और अगर बीजेपी की बात करें तो दोनों में से कौन बेहतर है? बीजेपी है। बीजेपी है कौन? किसका माहौल लग रहा है यहाँ पे? मन में इतना ज्ञान हो जाए कुर्सी में ना बैठ जाए। अच्छा देखो सबके मोदी है। अच्छा मोदी है सबके मोदी है मोदी। अच्छा हाँ आज जो खा रहे हैं सारे गरीब आधे किसान भी मोदी का खा रहे हैं। आपकी बार किसकी सरकार देख रहे हैं? बीजेपी आनी चाहिए कांग्रेस आनी चाहिए? मेरे लिए खड़ा कोई भी ना हो तो जब बढ़िया। अब कौन करे? पहली पसंद कौन है बीजेपी या कांग्रेस? वैसे तो बीजेपी है लेकिन हम कांग्रेस के कांग्रेस से खिलाफ नहीं जाएंगे हम। अच्छा। कांग्रेस की डालेंगे वोट। नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रूही और आप देख रहे हैं अलख हरियाणा और इस वक्त हम मौजूद है सोनीपत लोकसभा में। सोनीपत लोकसभा के अंगड़ी सिसाना गाँव में है। सोनीपत लोकसभा में पिछली बार जहां कमल खिला था वहीं अब की बार बीजेपी ने नए चेहरे पर दांव खेला है। नाम है मोहनलाल बडोली जो हाल ही में राय से बीजेपी के विधायक भी हैं। रमेश कौशिक की जगह इस बार उन्हें टिकट दिया गया है। गौरतलब है कि रमेश कौशिक का कथित एमएमएस आने के बाद उनसे टिकट ले लिया गया था। लोगों से जानते हैं लोकसभा चुनाव के लेकर यहाँ पर क्या माहौल है, बीजेपी से वो कितने खुश हैं कितने नाराज हैं, उनकी क्या राय है उनसे जानेंगे। आइए बात करते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते। ठीक हो? ठीक ठाक। क्या खेल रहे थे? ताश खेल रहे थे। कौन जीता? कौन जीता? हम जीते और कौन जीतेगा? अच्छा यहाँ पे अब की बार किसकी रड़क निकालोगे? किसकी रड़क? जिसकी कहोगे उससे ही काट जाएंगे। अच्छा किसका माहौल चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हाँ। यहाँ पे अभी किसी का माहौल नहीं चल रहा है। अच्छा क्या लग रहा है बीजेपी आएगी कांग्रेस आएगी कौन आ रहा है? केजरीवाल की सलाह है यहाँ। केजरीवाल है हाँ। अच्छा केजरीवाल की ज्यादा पहुँच हो रही है पंजाब में भी सरकार आ रही है और यहाँ भी केजरीवाल का रुझान है। केजरीवाल का रुझान है कांग्रेस और बीजेपी का अभी गठबंधन हो चुका है उसमें क्या कहेंगे आप? किसका? कौन सी पार्टी का? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो चुका है ना? फिर वो तो गठबंधन हो रहा है और अगर मेहंदी जब नहीं जब कांग्रेस टिकट दे लेगी ये बहुत बुढ़ है कोई मोल नहीं बन लिया। अच्छा। हमारे सोनपत से कोई मोल नहीं बन लिया। अच्छा। ये कांग्रेस देखो ब्राह्मण ने टिकट दे है जाट ने दे है किसने दे जो मोल बदलेगा। अच्छा बस इतना ही कोई मोल नहीं है हमारे सोनपत जिले का। सांसद कौन सा बढ़िया था? हम तो उड़ा गए हमारे सारे उठा गए जितने सारे उड़ा गए बस साथी बता दी बीजेपी से टिकट दे दिया बीजेपी ने दे रखा बड़ोली का ही पंडित जी सही इतना देखो कांग्रेस किसने दे है उस उन कांग्रेस ने नहीं दे लिया। बीजेपी वाले बढ़िया नहीं है क्या? बढ़िया थे होंगे पर मारा आड़ा ही रिश्ते यहाँ कोई काम नहीं हुआ मारा रिश्तेदार ही उड़ा। अच्छा मारा गांव में जा रखा है। अच्छा इसीलिए वोट देंगे उसको रिश्तेदारी मेरे के के रोल है। अच्छा। उड्डा के साथ सब कुछ यहाँ पे। अच्छा। उड्डा जाट उड्डा हम है भाई बरादरी सारी हमारी। अच्छा। सारे रीजन भाई सारे हमारे सब बैठे सब। चुनाव की बात करें तो कांग्रेस सरकार भी रही बीजेपी सरकार भी रही दोनों के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो दोनों में से किसका काम बेहतर? देखो हम बताएंगे आपको बात नीचे हम चाहते हैं यहाँ पे उड्डा को ऊपर चाहते हैं मोदी को। कौन सा काम बढ़िया लगा कांग्रेस सरकार का? कौन सा काम आपको सबसे बढ़िया लगा यहाँ? कांग्रेस का कोई बढ़िया ही नहीं है। कौन सा कांग्रेस का बढ़िया है? ना कोई कांग्रेस का बढ़िया। बीजेपी के सारे बढ़िया ऊपर मोदी जो कलाम ला कर रहा काम कर सारे बढ़िया कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ कर नहीं क्या कराया है? कुछ नहीं हुआ हमारे जोड़ मंदिर कुएं से बच्चे पड़े क्या काम कराया है? यहाँ पे किन मुद्दों पे काम होना चाहिए क्या लगता है? ना कोई कुआ है ना कोई जोड़ है ना कोई मंदिर है सब कुछ हमारे यहाँ टेपड़े यहाँ पे ताले लग रहे हैं तगड़े। रोजगार की बात करें तो है? रोजगार तो खत्म कर दिया उन सब पर प्राइवेट करना है सब प्राइवेट कर दिया। यहाँ तो भाई बराबर की टक्कर है यहाँ उड्डा के साथ है मतलब हमारा रिश्तेदारी का इलेक्शन है इस करके सब उड्डा के साथ जुड़े हुए हैं सब कुछ उड्डा के साथ जुड़े हुए हैं। बता दी बेटे
महाराज का मतलब कांग्रेस का टिकट मिल लगी ना पूरी दल जान पट्टा ही जब पता चलाएगा ये टिकट जारी होने के बाद पता लगा आधे दर्जे इतना ही मगम है कम में कह लो और वैसे सारे हरियाणा की बात पूछती हो तो ना दर सारी बीजेपी के आओ ना सारे की टिकट आओ जवान जवान तबका तो बीजेपी के साथ है जवान तबका बीजेपी के साथ बीजेपी के साथ लेकिन आधी युवा तो कह रहे कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं उनको रोजगार ही नहीं मिला नहीं हमारे गांव में ना हमारे गांव में ना करे और किधर करे आए हैं अच्छा ये तो बड़ा लड़का है इसमें जान भी नहीं पड़ती बड़े आदमी हैं जो वे छोटा के साथ हैं कांग्रेस के साथ हैं आम आदमी जवान तबका ज्यादातर बीजेपी के साथ बीजेपी के साथ लेकिन बीजेपी जो जवान तबका बता रहे हैं युवा बता रहे हैं लेकिन वो बीजेपी से खुश नहीं है नहीं खुश भी हैं कुछ को एक आधा है ना है ना तो ज्यादातर खुश है जवान तबका है जो बोलो भाई बताओ क्या नाम है आपका मेरा नाम सुरेश है जी रोटी पानी खा के बैठे हो हाँ रोटी पानी खा जीत गए अच्छा क्या लग रहा है यहाँ पे क्या माहौल है चुनाव के लेके चलाओ जी हम तो देख चाहिए था हमने ये केजरीवाल केजरीवाल चाहिए हाँ ये तो वाली पार्टी दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है हाँ तो आपको लग रहा है यहाँ पे अब केजरीवाल की टिकट दे वोट देंगे दे अच्छा कांग्रेस और अगर बीजेपी की बात करें तो दोनों में से कौन बेहतर है बीजेपी है बीजेपी है हाँ। कौन सा काम बढ़िया लगा बीजेपी का काम कोई नहीं करवाती फिर बढ़िया कैसे है पर ये दे ना दाने दूने दे हैं अन्न देते हैं अच्छा कितना दे रहे हैं हर परिवार को मिलता है कितना मिल रहा है फ्री की मिलता है फ्री में कितना मिल रहा है फ्री में कितने किलो मिल रहा है एक आदमी में पाँच चार किलो मिलता है एक आदमी का पाँच चार एक महीने में काम चल जाता है पाँच किलो में चलता है तेल भी जो है अच्छा आधे लोग तो बोले तेल बीच बीच में मिलता ही नहीं है नहीं देते हैं तेल भी देते अच्छा यहाँ पे क्या विकास कार्य हुए हैं गाँव में विकास कार्य कोई नहीं करवाया मोदी ने कुछ नहीं आज तक नहीं करवाया कोई और सांसद कुछ भी नहीं हो रहा है क्या माहौल रहेगा फिर अब की बार देखो मिला जुला बनेगी सरकार इसकी वोट तो दिल्ली में है अरे सरकार हरियाणा बनाने की बात कर रहा है इसकी दिल्ली में वोट है इसकी इसकी वोट दिल्ली में इसकी आप बता दो यहाँ पे क्या लग रहा है यहाँ सारा कांग्रेस का है और किसी का कुछ नहीं है सब सांसद कौन सा बढ़िया है सांसद तो हमने नहीं जाने हमने कांग्रेस का मतलब है बस उड़ा से मतलब हमने उड़ा से क्या नाम है अंकल आपका मन दे भाजन देना बड़ा खान बोझ जो बड़ा का अच्छा आप यहाँ पे हैं आप बताइए किसकी घर के बताऊँ हमने के बेरा किसकी दे रही है वोट तो डालेंगे आप घर के उसके घेर जाएंगे अच्छा किसका माहौल लग रहा है यहाँ पे मन में इतना ज्ञान हो गया कुर्सी में ना बैठ जाए अच्छा क्या बदलाव चाह रहे हैं आप यहाँ किस तरीके का बदलाव चाह रहे हैं मैं कुछ ना था दबा का अनुभूज है हमने नजर बैठी चाहिए कोई दे दो देखो सबके मोदी है सबके मोदी है मोदी हाँ आज जो खा रहे हैं सारे गरीब आधे किसान भी मोदी का खा रहे हैं मोदी का परिवार है बहुत बड़ा छोटा नहीं है और यहाँ हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में एक की बार जनता तो काफी नाराज है ना ना जब टाइम आओगा सब एक हो जाएंगे मोदी हो जाएंगे मोदी है मोदी हो जाएंगे कौन सा काम बढ़िया लगा आपको मोदी का मोदी गरीबों को दे रहा क्या दे रहे हैं अनाज तेल चून कितना किलो अनाज चीनी सारा ये जाट भी दे ले रहे हैं अच्छा और गरीब तो ले हुए अच्छा लेकिन किसान तो ना खुश है किसान देखो युवा भी ना खुश है ना युवा सब मोदी के साथ है युवा साथ है साथ। लेकिन काफी युवा बोले कि उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला ना एक आधी है सारी जगह एक आधा है अच्छा नहीं तो देखो ब्याह में कोई दारू पी ले कोई कमा कर ले कोई रोड़ा कर ले पांचों अंगली एक सर अग्निवीर चार साल की कर दी लेकिन उससे युवा और काफी लोग जो है खुश नहीं है ऐसा है मोदी नहीं हारता क्या अच्छा गए को सर पटक लो अच्छा वो नहीं आ रहा शेर है शेर है अच्छा ये चला सी लिए अच्छा ये बता दो क्या चल रहा है
क्या कर रहे माता पानी है ना जनती सरकार बता हम फांसी लिया मरा उसमें डूब का मरा तो बताओ जब बताओ जिस दिन तक यह सरकार बने उस दिन तक मरे मारे समाने मारे गांव के समाने कोटो पापा नहीं आओ तो बता दो और के अनपढ़ ये अनपढ़ ये जाने यार अच्छा, अच्छा, जब से बीजेपी आई तब से कुछ नहीं हुआ है जब से बीजेपी आई है कुछ नहीं हुआ क्या ये सरकार का दिख रहा मैंने बीजेपी का दे रहा ना उड़ा दे रहा ना और कोई दे रहा हाल की सरकार का नो दे रहा है ये सरकार ने ये सोसाने में टप पर पानी नहीं दिया अच्छा पानी की समस्या है यहाँ पानी की वो फिर सब बचा ही हुआ यह है अच्छा ये कार्ड 70 टोटल कार्ड रखे बता कौन से नहीं जनता पूरी कर आपकी बार किसकी सरकार है? देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार देख रहे हैं बीजेपी आनी चाहिए कांग्रेस आनी चाहिए मेरे लिए खड़ा कोई सी भी ना हो तो जब बढ़िया आपका कितनी बड़ी था फिर काम कौन करेगा अंकल कोई नहीं आएगा काम काम कौन करेगा कट मर जाएंगे अच्छा बता दी मैं क्या बताऊँ आप अपनी वो आप में रखिए ना पहली पसंद कौन है बीजेपी या कांग्रेस वैसे तो बीजेपी है लेकिन हम कांग्रेस की कांग्रेस से खिलाफ नहीं जाएंगे हम अच्छा। कांग्रेस की डालेंगे वोट तो परेशान क्यों हो तो ये परेशान किससे परेशान हो घर से परेशान हो परेशानी और के बता भाई नो बता दे या बता दे क्या मतलब बोल ठाडा मेरा है कट दिया है पानी बताइए कहने तो लग रहा है कि पानी दे दिया राशन मुफ्त दे दिए अंकल बोले बीजेपी ने किया है जो कुछ किया है मैं कुछ भी ना जाए के क्या है ये कितने तो टोटल कार्ड रखे हम या जनता कौन सी अनुपूर्य करे बताओ कौन सी अनुपूर्य करे ये सरकार के सही है कोटोपा पानी नहीं जनता भान वो किधर ये सारे ने जिसे कमा है ये जनता उन सरकार आप ले ले क्या है क्या है बता के अच्छा इससे पहले कांग्रेस सरकार थी तब था ऐसा तब मैंने आग लिखाई भी ना दे रहा इसका भी ना दे रहा पक्ष लिखाई भी ना दे रहा मैंने सरकार का ना दे रहा मैंने इस बात का दे रहा मैं कितना भी जा हूँ आधार कार्ड चाहिए वो के कह रहे कि वो हाँ फैमिली का कार्ड चाहिए ये बताऊँ किसे फैमिली ना हो तो कितने जाओ है वो कार्ड है नहीं बता रहे हाँ कार्ड से परेशान है सारी चीजें कुछ सारी चीजें ना परेशान हो हाँ कुछ सारी आ गए मोदी ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया इससे परेशान हो है? सब कुछ ऑनलाइन कर दिया फोन से करना है नेट से करना है उससे परेशान हो क्या ऑनलाइन मारा तो कुछ होता ना क्यों अनपढ़ फोन ना हम रखते ना इससे परेशान हो हाँ सब क्या था परेशान हाँ कांग्रेस राज में तो ऐसा नहीं था इससे कुछ थे मेरी समझ में बात नहीं आई मैं कह रही हूँ आप बोल रहे हो ना कि मोदी ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया सब फोन से करना पड़ रहा है इससे पहले बताओ जो अपने हाथ का काम है ना मैं वो बच्ची मानू ये ऑनलाइन और फलाना दखड़ी है मैं ना मानता नहीं मानता इनका मन है ये मेरे अर्जा फल है हाँ फल है ये थे गणेश सिसाना के ग्रामीण जो ताश खेल रहे थे इन सब ने चुनाव के लेके बातचीत की इन सब ने अपनी अपनी राय रखी है आप भी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप लोग देखते रहिए अलख हरियाणा धन्यवाद।